हाय, मेरा नाम है शनाज। टुडे इन दिस वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ कुछ बेबीज बुक और उनके फ़ायदे। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जिनके घर में, रिश्तेदार में या दोस्तों के घर में 4 महीने प्लस बच्चे हैं। मुझे पता है आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इतने छोटे बच्चे बुक्स को क्या समझेंगे, उनके क्या फ़ायदे होंगे। तो जब बच्चा पैदा होता है तो 3 महीने तक उनका विज़न बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। उनको सिर्फ ब्लैक, वाइट और रेड कलर ही नज़र आता है, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं नज़र आता। जब बच्चा 3 महीने के ऊपर हो जाता है तो उसको उसका विज़न क्लियर होने लगता है, उसको कलर कलरफुल चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। अगर आप फ़ोन या टीवी उसे दिखा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, देखने लग जाता है, गौर से देखने लग जाता है, स्टफ हो जाता है। तो हम में से कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि बच्चों को फ़ोन स्क्रीन या टीवी स्क्रीन जल्दी दिखा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। WHO भी इसे मना करता है, 1 ईयर के बच्चों को दिखाने से, अपना फ़ोन स्क्रीन या टीवी दिखाने से WHO भी मना करता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर है। जो 4 महीने के प्लस बच्चे हैं, जब आप कलरफुल बुक्स उनको दिखाएंगे और अपनी आवाज़ में जिस साउंड में आप बुक्स पढ़ेंगे, आप बच्चा आपकी आवाज़ को सुनेगा और इसी वजह से उसमें इमोशनल डेवलपमेंट होगा। छोटे बच्चों को बुक्स दिखाने और रीड कराने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कहानी भी पढ़कर सुना सकते हैं, आप अपनी आवाज़ में पोयम भी सुना सकते हैं बच्चों को 4 महीने के होने के बाद, 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही ये कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप कोई कहानी सुना रहे हैं कि ये पेड़ ना ऐसा है, कितना ग्रीन है, वाव कितने सारे फ्रूट्स हैं इसमें, कितने अच्छे अच्छे पत्ते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें जब आप उनको दिखाने लग जाते हो, उनको आपकी आवाज़ डिलीवर होती है। सिर्फ उनको नहीं पता होता है फ्रूट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उनको आपकी आवाज़ डिलीवर हो रही है, तो उससे जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है ना, वो अच्छे से हो जाता है। तो इससे बच्चों को आपकी आवाज़ के इमोशन समझ आएंगे, वो कलरफुल बुक्स देख इंगेज होंगे, और इससे फ़ायदे ये होंगे कि बच्चा आपके साथ और कनेक्ट होगा, क्योंकि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। बच्चा लैंग्वेज समझेगा, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और उसके इमेजिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। बुक के ज़रिए आप बच्चे को उनके आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी देते हैं, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, बच्चों की लिसनिंग, मेमोरी और वोकैबुलरी स्किल बिल्ड होती है, शब्दों, रंगों और अलग अलग शेप से उनका परिचय होता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर मैं बताने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि 4 महीने प्लस बच्चों को एक दिन में 5 बार या एटलीस्ट 1 बार और रात में बेड टाइम में लाउडली बुक्स पढ़ के सुनाने से बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन एक्टिवेट होता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ये मैंने कुछ बुक्स मैंने अमेज़ोन से मंगाए हैं और ये मैं 2 महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं अभी आने वाले दिनों में और भी बुक्स मंगाऊंगी और मैं उसके भी रिव्यू शेयर करूंगी। तो आप अपने कलरफुल फ़ोन और टीवी को, टीवी की स्क्रीन से बच्चों को जितना दूर रखें उतनी ज़्यादा अच्छा होगा। और आप ऐसी कलरफुल बुक्स लें जिसके कलर्स बहुत अच्छे हो, जो कलरफुल हो, जो डार्क कलर हो, लाइट कलर से ज़्यादा जैसे ऐसे डार्क कलर हो, तो वो बहुत अच्छा होता है, बेबी को अट्रैक्ट करती है वो कलर। तो ये सारी बुक्स मुझे बहुत हेल्प करती है और बेबी के साथ एक्टिविटी भी मेरी हो जाती है और ये एक हेल्दी कनेक्शन भी बनाती है। क्योंकि मैं इन बुक्स की, तो ये जो बुक है मैंने एक डॉग के लिए और एक कैट के लिए, तो इसमें जो है ना स्टोरीज लिखी हुई है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टोरी लिखी हुई है इंग्लिश में। कैट्स आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, दे आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेट्स इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम जब बच्चों के साथ लेटते हैं एक बेड पे और हम बच्चों को ऐसे करके दिखाते हैं, वो कलर के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हम अपने साउंड में, अपने लहजे में बच्चों को ऐसे स्टोरी पढ़ के सुना सकते हैं। कैट्स हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग, कैट्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इन द डार्क। तो इस तरीके से हम अलग अलग साउंड में, अलग अलग आवाज़ में, लाउडली या स्लो, लाउडली स्लो, ऐसे होके अलग अलग तरीके से इमोशंस से हम सुना सकते हैं। हिंदी में भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि ये बिल्ली है, बिल्ली के पास कितने सारे टॉयस है, देखो ये चूहा है, चूहा उस वो चूहे को देख रही है, तो ये बिल्ली है, बिल्ली कहीं जा रही है, यहाँ चांद है, तारे हैं, मून है, पेड़ है, गार्डन है, फ्लावर्स है। तो ऐसे करके हम एक ही बुक से काफ़ी सारी स्टोरी क्रिएट भी कर सकते हैं खुद से। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, कैट और डॉग वाली, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी भी लिखी हुई है और इतनी कलरफुल है कि बेबी देख के इंगेज हो जाता है और वो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेता है बुक को और फिर उसके साथ उसको देखने लग जाता है। तो मुझे ये अच्छा लगा और मैंने एक ये लिया है एनिमल ABCD,
जो कि मुझे बहुत पसंद आई। बुक ये बुक को लिया तो मुझे लगा अरे यार इसके लाइट कलर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है डार्क कलर नहीं है, लेकिन नहीं, इसके इसके ऊपर भी बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है। और इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि ए फॉर एलिगेटर है तो एलिगेटर, ए फॉर एलिगेटर, इसकी भी एक छोटी सी हेडिंग आ जाती है एलिगेटर लर्निंग द अल्फाबेट। तो इसमें बियर, बी फॉर बियर, बियर इन द बाथ, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी स्टोरी दे देती है। जैसे सी फॉर कैट, कैट ईटिंग कपकेक्स। तो एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर अल्फाबेट, बी फॉर बियर, बी फॉर बाथ, सी फॉर कैट, सी फॉर कप कैट, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिस्को, डी फॉर डांसिंग। तो ऐसे एक ही वर्ड से हमारे मतलब एक ही अल्फाबेट से कितने सारे वर्ड बना के दिए हैं। तो ये बुक मुझे बहुत पसंद आई है, ये बुक, और जो इसकी क्वालिटी है इनकी कार्ड की वो भी बहुत अच्छी है, कार्डबोर्ड है और कार्ड बुक है, और मुझे बहुत पसंद आई ये वाली बुक, ये वाली बुक भी मुझे बहुत पसंद आई दोनों। तो फ्यूचर में मैं आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ बुक्स ऑर्डर करने वाली हूँ बेबी के लिए, तो मैं उसका रिव्यू भी आप लोगों से शेयर करूँगी और बताऊँगी कि वो कैसी है, क्या उसके कलर्स को देख के बेबी अट्रैक्ट होते हैं या उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं। तो बुक्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये बुक्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, ऐसे आप सिंगल सिंगल बुक्स भी ले सकते हैं और ऐसी बुक्स भी ले सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स है जिसमें शेप्स, कलर्स, एनिमल्स, फ्रूट्स ये सारी आती है। तो वैसी बुक्स मैं लेने वाली हूँ, उसके भी मैं आपको रिव्यू दूंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।